Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. बाबा खड़क सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिनके खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बरे सगीर की तारीख के सबसे मशहूर अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। वो एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकता कर एक दिन वो अपने भांजे से कहने लगे, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू लाट साहब के नाम खत लिख दे और मैं जाकर परवाना ले आता हूँ। उस दौर में ऐसे ऑर्डर अंग्रेज वाइसरॉय जारी किया करते थे। महाराजा से मोहर लगी चिट्ठी लेकर मामू जान लाड वाइसरॉय की खिदमत में हाजिर हो गए। वाइसरॉय ने पूछा नाम, तो बोले खड़क सिंह। फिर पूछा तालीम, तो कहने लगे क्यों साहब, मैंने कौन सा स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है। वाइसरॉय हंसते हुए बोले, सरदार जी मैं कानून की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ, आखिर आपने अच्छे बुरे की तमीज करनी है, अच्छे लोगों को छोड़ना है, बुरे लोगों को पकड़ना है। खड़क सिंह इस पर अपनी मूछों को ताव देते हुए बोले, सरकार इतनी सी बात के लिए वजनी किताबों की क्या जरूरत है, ये काम तो मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ, एक नजर में अच्छे बुरे की तमीज कर लेता हूँ। वाइसरॉय ने सोचा अब कौन राजा महाराजा से बहस करे, उनके मामुओं से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो भुगते। उसने दरख्वास्त मंजूर कर दी और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब बाबा खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत के पहला ही मुकदमा खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ चार कातिल कटहरे में खड़े थे और दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर पर दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। खड़क सिंह ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस अफसर आगे बढ़ा। उसने खड़क सिंह के आगे कुछ कागजात रखे और कहा, माय लॉर्ड, इस औरत का कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खाविंद का कत्ल किया है। क्यों माई? खड़क सिंह ने पुलिस अफसर की पूरी बात सुने बगैर औरत से पूछा, बताओ कैसे मारा था। औरत बोली, सरकार ये जो दाईं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्ती लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथ में लाठियां थीं। ये चारों पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए और मारधाड़ शुरू कर दी और इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को मेरी आंखों के सामने मार दिया। इस पर खड़क सिंह ने अपनी मूछों को ताव देते हुए गुस्से से उन चारों की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई तुम लोगों ने बंदा मार दिया। इस पर पहला मुलजिम बोला, ना जी ना जनाब, मेरे हाथ में बर्छा नहीं था, एक सोटी थी जिसके आगे दरंती बंधी थी, वो बेरी के दरख्त से टहनियां काटने वाली। दूसरा बोला, सरकार मेरे पास कस्ती नहीं थी, बेलचा था। तीसरे और चौथे शख्स की बात सुने बिना ही खड़क सिंह बोले, चलो जो कुछ भी था तुम्हारे हाथ में वो तो मर गया ना। तीसरा मुलजिम बोला, पर जनाब हमारा मकसद तो उसे मारना नहीं था, ना जख्मी करना था। जस्टिस साहब ने कागजों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही वाले थे कि अचानक काले कोट में मलबूस एक शख्स तेजी से अंदर आया और बोला, माई लॉर्ड आप तसल्ली से पूरी बात तो सुन लें, मेरे मौकिल सिर्फ उस आदमी को समझाने के लिए उसके घर गए थे, ये सारा झगड़ा जायदाद का है, इन लोगों के हाथों में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहां जनाब, वो तो गन्ने थे। ये सुनकर खड़क सिंह ने उस काले कोट वाले को रोकते हुए बोला, एक मिनट। फिर पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा, ये कौन है। सरकार ये वकील है, मुलजिमान का वकील सफाई, पुलिस अफसर ने खड़क सिंह को बताया। यानी ये भी इन्हीं का बंदा है ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। खड़क सिंह ने वकील को हुक्म देते हुए कहा, उधर कटहरे में खड़े हो जाओ कातिलों के साथ। बस इतनी सी बात की और कागजात पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए।
जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला सुनाया, चारों कातिलों समेत उनके वकील को फांसी पर लटका दिया जाए। इस फैसले पर पूरे पटियाला में खलबली मच गई। कहते हैं कि इसके बाद जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, तब तक पटियाला में कत्ल के वाकयात ना होने के बराबर हो गए। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।